कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स प्लस को और करें अपने BCECELE एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार MRS स्टडी में। ये फाइनली 2015 का क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस आपके कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चंस आपका है। देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वीडियो भी जो है लंबा हो जाता है, इसलिए जो है क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहला जो भी क्वेश्चंस नजर आएंगे एक दो, वो क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चंस जब जरूरत रहेगा तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। हाँ, हम ऐसे यहाँ पे पढ़कर आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शन लेस प्लेन। एक जो है 2 kg का ब्लॉक है जो कि फ्रिक्शन लेस प्लेन पे रखा हुआ है। इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट ए रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। कितना है, 1 kg पर सेकेंड के रेट से जो है क्या कर रहा है हमारा, और उस पानी जो है रिलीज कर रहा है एक पाइप से, एंड स्पीड विल बी 5 m/s। कितना के रेट से रिलीज कर रहा है, तो 1 kg/s से, और 5 m/s का उस पानी का जो है स्पीड है। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ब्लॉक का। कहा क्या जा रहा है, एक जो है इस तरीके का यहाँ पे जो है हमारा जेट है ना, यहाँ से जो है पानी रिलीज कर रहा है, ठीक है, ये पानी रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे जो है एक प्लेन है, ये प्लेन है जो कि फ्रिक्शन लेस प्लेन है। कैसा प्लेन है, फ्रिक्शन लेस प्लेन पे 2 kg का हमारा क्या है, एक ब्लॉग है यानी वस्तु है, ठीक है, और इसका रेट कितना है, तो रेट है यानी dm/dt कितना है, तो 1 kg/s है, यानी मास कितना हो गया, तो dm जो है वो कितना हो गया, 1 kg हो गया। एंड वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी है 5 m/s। कितना है वेलोसिटी, 5 m/s जो है वेलोसिटी है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम 1 s दिया हुआ है ना, या फिर dt कह सकते हैं या t भी कह सकते हैं, 1 s हमारा टाइम दिया हुआ है, dm दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे, ये नोट पॉइंट आप याद रखेंगे VIP, जहां जहां हम स्टार मारेंगे वो फॉर्मूला आप अपने नोट कॉपी में या अलग कॉपी में आप नोट कर लेंगे, ताकि उस फॉर्मूले का इन फ्यूचर आपका यूज हो सके, ठीक है। और आप लोगों का यह भी रिक्वेस्ट था कि एम करीम का भी वीडियो लाइए, तो वो भी आएगा, बस आप लोग सपोर्ट देते रहिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला पे पुट करेंगे, dm/dt कितना है, तो 1 kg/s, और वेलोसिटी कितना है, तो 5 m/s, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 N जो है आ जाएगा, ठीक है, 5 N जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये तो हमारा हो गया, ये फोर्स निकल गया कि इतने फोर्स से जो है स्ट्राइक कर रहा है किसको, तो 2 kg वाले ब्लॉक को स्ट्राइक कर रहा है। तो जब 2 kg वाले ब्लॉक को पे 5 N का फोर्स लग रहा है, तो निकालना क्या है कि एक्सेलरेशन, यानी कितने एक्सेलरेशन के साथ वो बॉडी जो है हमारा आगे की ओर घसकेगा, है ना। तो ये घसकने के लिए, तो F=ma, ये भी एक बेहतरीन फॉर्मूला है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ठीक है, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ है ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 = 2 × a, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5/2, यानी 2.5 m/s². This will be the our answer. यही पूछ रहा था ना आपका questions में, question में क्या पूछ रहा था, the initial acceleration of block will be, जो initial acceleration होगा block का वो क्या हो जाएगा, ठीक है। Second question आप लोगों जो है screenshot कर चुके होंगे, ठीक है। तो second question है कि a body of mass 10 kg, कितना है, एक body है mass जिसका है 10 kg, moves at a constant speed of
10 मीटर पर सेकेंड, द कांस्टेंट फोर्स देन एक्टिंग फॉर 4 सेकेंड, यानी एक बॉडी है 10 केजी का, यानी मास है हमारा 10 केजी, स्पीड जो है कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है लग रहा है कितना तो 4 सेकेंड ऑन द बॉडी एंड गिव्स इट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और जब 4 सेकेंड तक उस बॉडी पे कांस्टेंटली फोर्स हम लोग लगा रहे हैं तो वो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में फिर जो है मूव करने लगता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, तो बताना है कि कितना फोर्स हम लोग एक्ट करेंगे, ताकि अगर ये बॉडी है पहले मूव कर रहा था इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जब इस पे फोर्स लगाएं इधर से, है ना, फोर्स कितना लगाएं यही कैलकुलेट करना है, ताकि ये इधर की ओर मूव करने लगे 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, कितना 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at, ये इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वेशंस है, है ना, तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे। तो फाइनल क्या है, इनिशियल हमारा 10, फाइनल है -2 क्योंकि निगेटिव रिटार्ड हो रहा है, ठीक है, तो -2 और a, और टाइम जो है 4 सेकंड तक लगा, तो एक्सेलरेशन आ गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स इज इक्वल टू होता है F is equal to ma, so 10 into, क्योंकि मास कितना है, मास है 10 केजी, ठीक है, मास कितना है 10 केजी है, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -30 न्यूटन, ठीक है, -30 न्यूटन। तो ये था 51 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया आपका 52 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपका 2015 का यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, इज एक्टिंग अपॉन बाय अ फोर्स एफ एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ए, एक फोर्स लग रहा है एफ, मास है कैपिटल एम और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ए, इफ थ्री फोर्स इज ईच इक्वल टू एफ, तीन फोर्स है तीनों इक्वल है एफ के, एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट 120 डिग्री, 120 डिग्री पे जो है इंक्लाइंड है, एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये बतलाना है। सपोज दैट मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है कैपिटल एम है, एक फोर्स जो है हमारा इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, ये जो एंगल है आपस में एक दूसरे का वो 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री, ठीक है, फोर्स F1, F2 एंड F3, ठीक है, तीनों फोर्स जो है F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, ठीक है, ये तीनों फोर्स जो है इक्वल है कैपिटल F के, ठीक है, तीनों फोर्स इक्वल है कैपिटल F का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तरीका नहीं, नहीं दूसरा ही तरीका से बताते हैं, ये तरीका थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, ये छोड़िए, ओके, यहाँ पे जो है ये आपका इक्वल है, ठीक है, तो अगर बॉडी पे अगर माने कि सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और इधर की ओर बॉडी हमारा मूव कर रहा है और एक फोर्स जो है इधर की ओर ही लग रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू A हो जाएगा, ठीक है, F इज इक्वल टू M इंटू A हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगर सिर्फ हम लोग कैपिटल M लेकर चलते हैं तो, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M है, कैपिटल M लेकर चलते हैं तो, और तीनों फोर्स जो है आपस में इक्वल है और 120 डिग्री का कोण बना रहा है, तो एक और हमारा निकलेगा F रिजल्टेंट, है ना, F रिजल्टेंट एक हमें देखने को मिलेगा, तो F रिजल्टेंट हमें कितना मिलेगा, देखिए F रिजल्टेंट क्या मिलेगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से जब करेंगे और
प्लस, तो तीन फोर्स वाला जो है रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो एक, फिर दो, फिर ये एंड फाइनली, ठीक है, 2F1 F2 प्लस 2F3 cos थीटा, ठीक है, 2F1 F3 cos थीटा, इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम आपको लिख देते हैं, पूरा कैलकुलेशन जो करेंगे वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, FR = निकल कर आ जाएगा F cos थीटा, क्या आ जाएगा, F cos थीटा, ठीक है, F cos थीटा। तो F = क्या है, MA है, यानी हम लोग क्या करेंगे, तो FR = हम लोग लिखेंगे कि MA cos थीटा, ये इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, एक cos थीटा यानी 120 डिग्री, क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इस तरीके से जब बनाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो कैपिटल A इक्वल टू, यहाँ पे जो हम लोग इसको A1 ले लेंगे, ठीक है, A1 ले लेंगे, तो MA1 और cos 120 का होता है -1/2, ठीक है, तो ये M से M कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -2A = A1, यानी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारा, -2A1, ठीक है, क्या आ जाएगा, -2A1, ओके। तो यही चीज तो हमें निकालना था ना, -2A1, तो ये आ जाएगा -2A1। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक तरीका ये है, और एक और तरीका है, वो भी तरीका चलिए आपको बता देते हैं, इधर स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, चलिए एक बार कर लीजिए, अगर नहीं किए तो इसको मिटाते हैं। और एक और तरीका क्या है, वो तरीका जो है आपको बतला देते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से भी जो है आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है, ये तरीका तो है ही, इस तरीके से भी बना सकते हैं, और एक और तरीका है, उस तरीके से भी जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग यह कह सकते हैं कि F1 = √F1 + F2 = F3, we know that, अगर तीन फोर्स है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो दो फोर्स का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स के इक्वल होगा, यानी किसी भी दो फोर्स का जो इस फॉर्मूला निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, वो तीसरे फोर्स के इक्वल होता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना, ये चीज जो है हम लोग जानते हैं। सो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि F = MA जो है हमारा होगा, सो A = F / M होगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकलेगा हमारा F1 F2 क्योंकि दो ही का ले रहा है ना, +2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे सारा वैल्यू ले गए, क्यों, क्योंकि F1 = F2 = F3 = F, तो सभी इक्वल टू एफ है, सो यहाँ पे रिजल्टेंट = F आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2F आ जाएगा, और यहाँ से F + F तो 2F - 2F, तो ये कट जाएगा, तो √0 है, तो उसका वैल्यू तो 0 ही होगा ना, क्या सही है, नहीं गलत है, ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर था, तो एफ का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और बाई -2 था, ठीक है, तो यहाँ पे -2 करेंगे, तो ये कटेगा, अब यहां से क्या होगा कि ये एफ से एफ कट जाएगा, तो आ जाएगा एफ का स्क्वायर का √, तो आ जाएगा एफ, दिस विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एफ जो है रिजल्टिंग जो है किसके इक्वल हो गया, एफ के रिजल्ट इक्वल हो गया। सो अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जब रिजल्टेंट भाई हमारा इक्वल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे
अगर नेट फोर्स निकालेंगे, अगर रिजल्टेंट इक्वल है तो नेट फोर्स निकालेंगे, तो नेट फोर्स क्या निकल कर आ जाएगा, नेट फोर्स आपका निकल कर आ जाएगा आर माइनस एफ, यानी एफ माइनस एफ इक्वल टू जीरो, यानी नेट फोर्स हमारा आ गया जीरो। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, यानी जीरो बाई एम मीन्स जीरो, ये जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू आ जाएगा तो अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, अब यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऑप्शन देखेंगे, अगर आपके ऑप्शंस में ये वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है, माइनस टू ए इक्वल टू ए, मैंने एक्सेलरेशन माइनस टू ए रहेगा तो माइनस टू ए भी करेंगे और जीरो भी करेंगे, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपके में दिया हुआ रहेगा। तो अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पे देखें तो आपका थर्ड क्वेश्चन में जीरो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, माइनस टू ए नहीं दे रहा है, तो हमारा जीरो जो हो जाएगा इस कंडीशन में सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है फोर। फोर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव्स कर रहा है हमारा एक्स वाई प्लेन में, किसमें, एक्स वाई प्लेन में जो है हमारा मूव कर रहा है, इसका मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नाउ मिटाते हैं इसको तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये है आपका 54 नंबर। ओके, एक्स वाई प्लेन में है, चलो भाई एक्स और वाई प्लेन बना देते हैं, तो एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन में हो गया, ठीक है। प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, सच दैट लीनियर मोमेंटम इज, जो लीनियर मोमेंटम है पी टी इज इक्वल पी इज इक्वल टू ए इन टू आई कॉस आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी, वेयर ए एंड के आर कॉन्स्टेंट, ए और के जो है वो कॉन्स्टेंट है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम विल बी, तो एंगल जो है वो प्राप्त करना है कि एंगल क्या हो जाएगा फोर्स और मोमेंटम के बीच में। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का मोमेंटम क्या दिया हुआ है, तो देखिए मोमेंटम हमारा दिया हुआ है ना, मोमेंटम दिया हुआ है हमारा आई कैप कॉस के टी, यहाँ पे के छूट गया, ठीक है, के टी माइनस जे साइन के टी, ये जो है इन इंटू ए, ए भी है ना, ए भी है, ठीक है, तो ये जो है आपका गिवेन दिया हुआ है। तो जब ये डाटा दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू आपका होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है, जब इस फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि ए इंटू के, ए इंटू के जो है ये आपका आ जाएगा, ठीक है, और यहां से आप लिख सकते हैं माइनस आई साइन के टी माइनस जे कॉस के टी, ठीक है, ये जो है हमारा आ जाएगा। सो हमारा जो है फोर्स तो निकल गया है ना, फोर्स निकल गया, तो फोर्स निकल गया और मोमेंटम जो है हमें दिया हुआ है, फोर्स और मोमेंटम दिया हुआ है, तो यही तो पूछ रहा है ना कि फोर्स और मोमेंटम के बीच में कितना डिग्री मतलब एंगल बनेगा, तो एंगल बनाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे तो यहां से जो है हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा जीरो, इसका जब सॉल्यूशंस करेंगे तो हमारा सॉल्यूशंस क्या मिलेगा, जीरो जो है सॉल्यूशंस जो है हमें मिल जाएगा जब प्रोडक्ट इसका निकालेंगे। सो एफ इंटू
पी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, सो एफ इंटू पी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो, सो एफ इंटू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच में हमारा कितना डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री का, यानी इस तरीके का कोण जो है ये, अगर फोर्स रहेगा तो इस तरफ हमारा क्या जाएगा, मोमेंटम जो है जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से करना था। तो ये चार क्वेश्चन जो है आपको, देखें कैसा लगा, अच्छा लगा ना? ठीक है, चलिए और भी लेकर आते हैं आपके पास क्वेश्चंस, बस वेट कीजिए कुछ देर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्टिकल इज एक्टिंग अपॉन बाय 3 फोर्सेज। एक पार्टिकल है जिसपे 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, पी क्यू और आर, और बताना है कि पी क्यू आर जो है इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर पी क्यू आर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, तो नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से, यानी जो रेशियो है पहला फोर्स दूसरा फोर्स का, यानी किसी भी दो फोर्स का तीसरे फोर्स से बड़ा होना चाहिए, यानी दो फोर्स का जो समेशन है तीसरे फोर्स से बड़ा होना चाहिए, तो जो है हम लोग कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में। तो पहले दो फोर्स ए और बी को ऐड किए तो 4 हो गया, लेकिन सी है 5, सो पी क्यू आर का जो रेशियो है 1:1:3 जो है जाएगा वो हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे तो 5:3:8 हो जा रहा है, लेकिन 7 से बड़ा है तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और फिर दूसरा है 5:7:9, तो 5:7:12 हो जाता है, 9 से बड़ा है तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। 7:9:11 है तो 7:9 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ये भी जो है 11 से बड़ा है तो ये भी हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये हमारा सही नहीं होगा, सही कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए बी सी डी ई इज ए पेंटागोन, एक पेंटागोन है, फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए बी बी सी सी डी टू डी ए डी ई ए डी एंड ए ई देयर रिजल्टेंट विल बी। तो उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले पेंटागोन बनाते हैं। चलो भाई इस तरीके से जो है हम लोग क्या बना दिए, पेंटागोन बना दिए। मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है, ये क्या हमारा पेंटागोन जो है बन गया। ओके, तो ये जो पेंटागोन बन गया इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू टोटल हम लोग ऐड कर देंगे, और टोटल जब ऐड करेंगे तो इसको एक मान लेते हैं वैल्यू, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं इसको, अगर ट्रायंगल मान लेते हैं तो एक एसी लाइन भी हमारा एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एसी, यानी इसका और इसका सम जो है एसी के इक्वल हो जाएगा, तो ये एसी के इक्वल हो गया। चलो भाई यहाँ तो एक तो घटा ए बी और बी सी, ये दो लाइन जो है हमारा घट गया। चलो आगे देखते हैं सी डी डी टू डी ई ए डी और ए ई है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे सी डी सी डी, ठीक है, सी डी और ए सी, सी डी और ए सी इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या ए डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए डी बन जाएगा, यहाँ पे ए डी बन गया, है ना, ए डी बन गया। अब देखते हैं आगे, अब दो गो डी ई है तो दो गो डी ई कर देंगे, ठीक है, अब देखना है ए ई तो एक है ही हमारा, और ए डी और जोड़ देंगे डी ई, ए डी में डी ई जोड़ देंगे, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो ए ई बन जाएगा, और एक ए ई बाहर है ही हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू आ जाएगा 3AE, ठीक है, बस यही तो करना था, रिजल्ट निकालना था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा नहीं फर्स्ट है नहीं थर्ड है, थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ये था हमारा 56 नंबर, ये आ गया हमारा 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है ये जरा ध्यान से देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है,
कि एक बॉडी है जिसका वेट जो है एट हाइट एच हाइट पे उस बॉडी का वेट जो है फ्रॉम साउथ पोल वो उतना ही है जितना कि इक्वेटर पे, ठीक है। मान लेते हैं एक साउथ पोल है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, क्या है यहाँ पे इक्वेटर है और ये हमारा नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो साउथ पोल पे एक बॉडी है, मान लेते हैं ये बॉडी है, इस बॉडी का उतना ही वेट है, यानी इसका वेट जो है उतना ही है जितना कि इक्वेटर पे कोई बॉडी का वेट है। तो दोनों वेट जो है वो इक्वल है, ठीक है, दोनों वेट इक्वल है। तो हाइट कितनी, हाइट तो हमें निकालना ही है कि कितना हाइट जो है उसका होगा ताकि वो बॉडी जो है उसका वेट जो है दोनों का सेम टू सेम हमें देखने को मिलेगा। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे, आखिर सवाल आ सकता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि जो अर्थ है ना, इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है, तो 6.46 × 10⁶, ये क्या दिया हुआ है, रेडियस हमारा दिया हुआ है, ठीक है, मीटर में ये रेडियस हमारा दिया हुआ है। तो अब इस रेडियस को तो फॉर्मूला आप सिंपली यूज करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसे इसका रिलेशंस निकालने के लिए आता है, लेकिन इस लास्ट टाइम में आप सिंपली फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्या फॉर्मूला याद करेंगे, एच इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार फॉर्मूला आप लोगों को अभी तक दे दिए हैं, है ना, कितने क्वेश्चंस में, 7 क्वेश्चंस में चार फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि उतना इक्वल नहीं, वो आपको याद होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हर में जो मेन फॉर्मूला है उस पर हम हाईलाइट कर देते हैं कि भाई ये फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पे है क्या, ओमेगा क्या कहीं दिया हुआ है, ओमेगा है क्या, तो भाई अब यहां से निकालना है तो उसका कुछ अर्थ जो है रिवॉल्व करेगा ना, अर्थ जो है रिवॉल्यूशन करेगा, तो ओमेगा का जो है वैल्यू आप याद रखेंगे कि 5.7 × 10⁻¹ होता है, ओके। ये जो है आपका कंफर्म था, ओमेगा स्क्वायर का जो है वैल्यू है, ठीक है, ये किसका वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, आप ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, तो प्लीज याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 11 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 58 नंबर, कितना नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन है कि दो ब्लॉक्स है ए और बी ऑफ मास 6 kg एंड 3 kg रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.4, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4 है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स विच कैन मूव देन विदाउट सेपरेशन, बिना इसको सेपरेट किए हुए, यानी ये पूरे बॉडी को एक बॉडी मानकर इसको मूव करवाना है, तो मूव करने में हमें जो है कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, ये जो है बताना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स जो है हमें लगेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पूरा बॉडी का जो है 9 kg हो जाएगा, पूरा बॉडी का मास कितना हो जाएगा 9 kg, क्योंकि 3 और 6 9 होता है। सो फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एम इंटू जी होता है, तो ए तो यहाँ पे 9 है, तो 9 × a जो है हमारा हो जाएगा, क्योंकि मास जो है 9 kg है। अब सिर्फ पार्टिकुलरली हम लोग बी बॉडी के लिए लेकर चलें तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी, क्या हो जाएगा, या म्यू एन भी हो जाएगा, म्यू एम जी या म्यू एन, तो म्यू एम जी जो है वो हमारा जाएगा 12 न्यूटन। सो फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग एक्सेलरेशन, फोर्स तो हमारा दिया कि बी का लिए कितना हो गया, तो 12 न्यूटन, एफ बी यहाँ पे हम लोग लेकर चलेंगे,
ठीक है, तो नहीं एफ लेकर चलेंगे, एफ भी तो हम लोग निकाले ही कि 12 न्यूटन है, तो एफ इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, अब ए में तो यह इक्वल हो जाएगा हमारा 12 × 3 × a, सो ए इज इक्वल टू 4 m/s², सो टोटल फोर्स के लिए हम लोग निकाल देंगे तो 9 × 4 इक्वल टू 36 न्यूटन। यहाँ पे बी है, एफ बी ले लेंगे, ठीक है, एफ बी के लिए लेंगे क्योंकि एफ बी जो है निकाले ना 12 न्यूटन, और एसलेशन कितना है मतलब मास कितना है तो 3 kg, तो एफ बी है, ठीक है, ये यहाँ पे एफ बी है, ठीक है, तो एफ बी से 4 m/s आ गया, तो टोटल मास का एसलेशन निकाल दिए, तो ये हमारा जो है निकल कर आ गया। 59 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 58 तक देख लिए थे, 59 नंबर क्वेश्चन है। कहता क्या है 59 नंबर क्वेश्चन, पहले हम लोग यह जानते हैं कि आखिर कहता क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है एम है, इज मूविंग इन ए प्लेन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे वो बॉडी जो है पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, और जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका रेडियस है आर, कितना है रेडियस है आर, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एल, और जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एल वो क्या एल है, ठीक है, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है कितना हो रहा है एल हो रहा है रोटेशन में, देन बतलाना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। सपोज डैट एक पार्टिकल है, मान लेते हैं कि ये हमारा पार्टिकल है, ये हमारा गोल जो है चल रहा है, यहाँ से इसकी जो दूरी है आर है और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एल है, ठीक है, तो जब एल एंगुलर मोमेंटम है तो हम लोग निकालेंगे आर इंटू पी, तो क्या निकलेगा एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी से जब करेंगे तो हमें क्या निकलेगा एंगुलर मोमेंटम, मीन्स पी जो है हमारा पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम इंटू वी, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू एम इंटू वी, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा हो जाएगा। सो अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से इस फॉर्मूला से वेलोसिटी निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा एम बाई आर एल, सॉरी वी बाई वी इज इक्वल टू एल बाई एम आर जो है निकल कर आ जाएगा। जब ये निकल कर आ जाएगा तो अब बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, क्या होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला जो है हमारा होता है। अब इस फॉर्मूले पे वी का जो पोजिशन है वी के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो जैसे ही वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एफ सी इज इक्वल टू एल बाई एम आर क्यूब जो है आर क्यूब है वैल्यू आ जाएगा, तो दिस विल बी योर आंसर्स। नाउ नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, क्या है 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि अ लाइट स्ट्रॉन्ग रूप, एक हल्का और पतला जो है धागा है रूप है, इज स्ट्रेच टाइटली बिटवीन टू पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से जो है हमारा क्या कर रहा है स्ट्रेच किया जा रहा है यानी खींचा जा रहा है, एंड 78 kg ब्लॉक इज हैंग फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट है ये जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट पे 78 kg के मास का जो है एक ब्लॉक को जो है लटका दिया गया है। इफ द एंगल थीटा इज 11 डिग्री, और जो एंगल बन रहा है हमारा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है 11 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे थीटा जो है वो 11 डिग्री का बन रहा है, तो जब भाई मिड पॉइंट ये है तो यहाँ से अगर कर लेंगे तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये भी 11 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल
हो जाएंगे मिड पॉइंट के अनुसार। सो टेंशन वन और टेंशन टू यानी दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होगा वो भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि मिड पॉइंट जो थ्योरी है उसके अनुसार। देन उसके बाद कहता है कि देन द टेंशन इन रूप इज अप्रोक्सीमेटली, तो बतलाना है कि टेंशन जो होगा रूप में वो कितना हो जाएगा। और अगर कहीं पे साइन 11 डिग्री आता है तो उसका वैल्यू 0.9 जो है हम लोग 0.19 जो है लेकर चलेंगे। सो अब हम लोग फोर्स निकालना है भाई, है ना। फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो T1 साइन थीटा 1 एंड T2 साइन थीटा 2 क्यों करेंगे, क्योंकि फोर्स जो है हमारा नीचे की ओर लग रहा है ना। और निकालना क्या है, टेंशन तो निकालना है, तो नीचे की ओर अगर फोर्स लग रहा है तो नीचे की ओर वाला फोर्स क्या है, तो हमारा mg है। और mg को कंट्रोल करने के लिए ये थीटा है, तो ये नॉर्मल के लॉन्ग हमारा जो है क्या आ जाएगा, T1 साइन थीटा भी आ जाएगा और T2 साइन थीटा 2 भी आ जाएगा, है ना। दोनों के लॉन्ग हमारा ये आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो फाइनली हम लोग ये वैल्यू करेंगे, तो भाई हम लोग जान रहे हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 जो है आपस में इक्वल है, तो वैल्यू दोनों का सेम होगा, तो दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ से टी का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे और एमजी क्या निकलेगा, तो मास जो है हमारा 78 kg दिया हुआ है और जी का वैल्यू 10 है, यानी 780 डिवाइडेड बाय साइन 11 का कितना दिया हुआ है, तो 11 का 0.19 लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.38 जो है वैल्यू हम लोग को ले लेंगे। तो वही वैल्यू ले लिए और यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो वैल्यू आ गया 2.05 kN। क्या आ जाएगा, 2.05 kN जो है वो आपका वैल्यू आएगा। अगर आप न्यूटन में निकालेंगे तो 2052 न्यूटन जो है ये आपका टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। ओके, ये 60 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अ मास एस, एक मैन है जो कि एस है, माने एस से मान लेते हैं सूरज है, ठीक है, जिसका मास 80 kg है। सूरज का मास कितना है, एस फॉर सूरज, तो 80 kg है। रन्स अप अ स्टेयर केस यानी सीढ़ी पर जो है दौड़ता है, ठीक है, इन 12 सेकंड में वो ऊपर चढ़ जाता है दौड़कर। एंड अनदर आदमी है आर मीन्स ले लेते हैं रोशन, क्या ले लेते हैं, आर मीन्स ले लेते हैं रोशन। रोशन जो है 60 kg का जो है और वो उसी स्टेयर केस को यानी उसी सीढ़ी को, मतलब पूरा जो स्टेयर केस है पूरा ऊपर चढ़ जाता है, नीचे से ग्राउंड से फ्लोर तक वो 11 सेकेंड में चढ़ जाता है। तो बताना है कि दोनों के रेशियो यानी सुरेश का और रोशन का जो बीच में, दोनों के बीच में जो रेशियो है पावर का यानी शक्ति का, वो कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लिए यहाँ पे, सुरेश का जो है या सूरज का जो है हम लोग पावर निकाल लिए। तो सूरज का पावर निकालने के लिए वेट ऑफ सूरज और टाइम फॉर सूरज, यानी वेट कितना था, मतलब मास कितना था और कितना टाइम लगाया सूरज, तो उसका रेशियो निकाल देंगे। फिर रोशन का जो है पावर निकालने के लिए उसका वेट, यानी वेट या फिर वर्क डन हम लोग कर सकते हैं, है ना, वर्क डन वेट दोनों इक्वल हमारा होता है, कभी कभी देखेंगे एक कंडीशन होता है उस कंडीशन में आपका इक्वल लिया जाता है, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ भाई, जितना उसका मास है उतना ही तो जाएगा ना, वो तो सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो कुछ कर नहीं रहा है ना, तो ये चीज है। तो और टाइम है तो 60/11 ये हो गया। अब ये दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो ये 60 से 60 और 80 कटेगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 11:9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11:9 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका बनाने का एक और तरीका है, वो तरीका आपको आई थिंक कि जो ई बुक आप लोगों ने परचेज किया है उस ई बुक में जो है हम प्रोवाइड करा दिए हैं। इसका कुछ क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशंस आपका प्रीवियस ईयर का है,
और इसका जो है अपडेट करेंगे, ठीक है। अब इन साल तो अब नहीं अपडेट हो पाएगा, ठीक है। अब अगले साल जो भी एग्जाम देंगे उन लोगों को पूरा अपडेटेड जो है सेकेंड एडिशन जो है इसका जो लॉन्च करेंगे तो वो अच्छे तरीके से करेंगे और बेस्ट तरीके से, क्योंकि इस बार जो है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये बुक वगैरह लिखने का, पहले हैंड रिटेन ही था, ठीक है। अब जो है बुक वगैरह लिखने का थोड़ा जो है तरीका पता हुआ है, तो धीरे धीरे जो है वो मोटिवेशन होते जाएगा, क्योंकि आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार हमारे साथ हमेशा रहा है, तो बस आप लोगों का प्यार के कारण जो है ये चीज़ संभव हो पाया है इस लॉकडाउन के कारण। अगर वो भी लॉकडाउन नहीं होता तो इन साल भी जो है आपका हैंड रिटेन ही मिलता, जो लोगों को मिला है वो हैंड रिटेन ही मिलता, ओके। लेकिन आप लोगों ने प्यार दिखाया, आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, इसलिए सब जो है प्यार में कुछ भी कुर्बान हो जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। और ये चीज हमने बताया था कि इंग्लिश का अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो मतलब इतना पागल हो गया प्यार में कि उसको कुछ पता नहीं, उसी तरीके से आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार मुझे मिल रहा है कि मुझे कुछ होश ही नहीं है कि क्या हम दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, मतलब लगता है कि और क्या ऐड किया जाए, और नया क्या ऐड किया जाए ताकि आप लोगों की सफलता आपकी हाथों में हो जाए, ठीक है। तो चलिए 61 तो हो गया, 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ ब्लॉक स्लाइड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कितना 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से बॉडी जो है स्लाइड कर रहा है ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, किस पे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जो पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो है 10 मीटर पर सेकेंड से जो है स्लाइड करते, पहले अगर ये पोजीशन पे था तो उसके बाद ये इस पोजीशन पे आ गया, तो ये फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पे जब ये गया तो कितना डिस्टेंस गया, 50 मीटर का डिस्टेंस जो है वो क्या कर लिया, कवर कर लिया, जब शुरू से लेकर लास्ट तक वो गया तब। देन आगे कहता है कि इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। देन द कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज, तो बताना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन होगा बिटवीन ब्लॉक और सरफेस के बीच में वो कितना होगा, है ना, डायनेमिक फ्रिक्शन कितना होगा ब्लॉक और सरफेस के बीच में, कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग को ये चीज तो दिया हुआ है, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि भाई फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मूव कर रहा है तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, तभी तो हम लोग म्यू का वैल्यू निकाल पाएंगे ना, क्योंकि सिर्फ तो हमें मास ही दिया हुआ है ना, बॉडी का मास ही हमें पता है कि क्या है, क्या पता है, नहीं मास भी मुझे पता नहीं है, तो अब करें तो क्या रे क्या, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन चलिए निकालते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah, इसकी मदद से फॉर्मूला की मदद से एक्सेलरेशन निकालेंगे, वी जो है 0, यू जो है 10 मीटर और 2 ए और डिस्टेंस है 50, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आ जाएगा, यानी -1 है, यानी ये डायरेक्शन क्या है, रिटार्डेशन है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ले लेंगे, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव क्या अपोजिट डायरेक्शन को सिर्फ इंडिकेट करता है। सो नाउ यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एस इनटू एन, तो यानी म्यू एम जी हो गया, तो म्यू एम जी हो गया, तो यहाँ पे तो एम से एम कट गया, अब बच गया म्यू, तो म्यू का वैल्यू निकालना ही है, जी का वैल्यू है 10 और ए का वैल्यू है 1, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.1, दिस विल बी योर आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास, सॉरी अ यूनिफॉर्म चेन, है ना, एक हैवी यूनिफॉर्म चेन है जिसका चेन जो है वो लाइज कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे लाइज कर रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन
एंड टेबल सरफेस इज 0.25, कितना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कितना है 0.25 है, देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग ओवर एज ऑफ टेबल, यानी जो टेबल का किनारा है उस पे उसका जो है लेंथ जो है कितना लेंथ, मतलब एक पार्ट जो है हैंग कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ लेंथ ऑफ चेन, यानी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा हमारा लेंथ का में चेन का उसमें, डेट वन कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ टेबल, मतलब टेबल का एक एज जो है हमारा लटका लटक जाए तो कितना फ्रिक्शन होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास टेबल है, इस पे जो है चेन रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से चेन जो है नीचे की ओर लटका हुआ भी है, एक पार्ट जो है हमारा क्या कर रहा है कि एक पार्ट लटका हुआ है, यानी दो पार्ट ऊपर की ओर है और एक पार्ट नीचे की ओर है, यानी तीन पार्ट लेकर चलते हैं तो दो वाटा तीन हमारा ऊपर रहेगा और एक वाटा तीन जो है नीचे रहेगा, ये चीज लेकर चलेंगे। लेकिन वो पार्ट हमें नहीं दिया हुआ है, हमें सिंपली दिया हुआ है कि चेन का अगर लेंथ हम लोग मान लेते हैं एल, ठीक है, चेन का लेंथ मान लेते हैं एल, तो जो नीचे वाला लेंथ हो जाएगा वो स्मॉल एल हो जाएगा, सो ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा टोटल एल लेंथ है, टोटल है ना, ये टोटल है, ठीक है, तो नीचे वाला तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, तो ये निकल गया। तो यहां से मास डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाई एल, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब फॉर एल लेंथ के लिए जो हमारा एल लेंथ वाला चेन है ना, जो नीचे की लटका हुआ चेन है उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जब हम लोग मास डेंसिटी लेंगे तो एम एम बाई एल, तो भाई छोटा वाला मास है ना, तो इसका क्या हो जाएगा स्मॉल एम एल हमारा जो है, सो यहां से हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू जाएगा, कैसे आएगा, यहाँ पे एम के जगह पे जो मास है इसका वही लेंगे ना, जैसे अगर बोले कि एल कैपिटल एल है तो मास कितना है एम कैपिटल एम है, अगर वन रहेगा तो एम बाई एल रहेगा, और अगर स्मॉल एल है तो एम एल बाई एल, ये हमारा निकल कर, तो वही मास हम लोग यहाँ से निकाले एल के लिए, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए है ना, तो जब यहाँ पे पुट कर दिए यहाँ पे ये कर दीजिए, ठीक है, पुट कर दिए तो ये वैल्यू हमारा आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू हैंगिंग, हैंगिंग के कारण भी हमारा फोर्स एक्ट होगा, किसमें, तो चेन में, तो एम इंटू जी, तो एम कितना दिया हुआ है, एम का वैल्यू है एम एल बाई एल है ना, ये वैल्यू है हमारा एम का, ठीक है, यही है ना हमारा एल वाला के लिए एम एल बाई एल है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे तो म्यू एम जी, और एम का वैल्यू हम लोगों को पता है, क्या करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट का निकालेंगे क्योंकि ऊपर वाला ही पार्ट का हमारा पूछ रहा है ना, तो उसका एम एल और कैप यहाँ पे स्मॉल एल था तो कैपिटल एल माइनस एल कर देंगे स्मॉल एल, तो यहाँ पे पुट कर दिए। अब हम लोग जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर देंगे तो हमारा एल बाई एल का जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा 20% आएगा, क्या आएगा 20% आपका जो है आंसर आएगा। देखिए डियर, अगर आपको समझ में ना आए तो बेहिचक आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आपकी जो भी डाउट्स है, अगर एक पॉइंट भी नहीं समझ में आ रहा ना तो भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट हमें पता चलेगा कि हम कौन सा पॉइंट वैसा नहीं समझा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कीजिए, क्यों डिसलाइक कर रहे हैं वो भी जरूर लिखिए वीडियो में कि हाँ सर हम इस कारण से आपकी वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम लोग काम करते हैं ना तो उसमें बुराई होता है, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन एरर होगा ही होगा, ऐसा आज तक कोई बना ही नहीं है जो पूरा का पूरा एक्यूरेट हो, ठीक है, तो आप लोगों के सपोर्ट के कारण 8000 का परिवार बना है, तो में भी तो कुछ बुराइयां होगी ना, जिसको और सुधार कर 8000 के परिवार को 10000 बनाया जा सके, है
है ना। अगर अपनी बुराई को, अपनी अच्छाई को अपनाएंगे और बुराई को खत्म करेंगे तो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो है आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करेंगे तो लिखेंगे जरूर क्योंकि आप डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि उस चीज को हम आगे और सुधार किया जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, जिसमें कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज बीइंग पुल्ड अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग जो है पुल किया जा रहा है, ठीक है। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, तो जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक के बीच में एंड सरफेस, है ना, ब्लॉक और सरफेस के बीच में, ये ब्लॉक है और ये सरफेस है, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसका कोफिशियंट कितना है, म्यू है। इफ अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम बाई टू, एक और मास रख दिया जाए ऊपर में, मास इस ब्लॉक के ऊपर में एक कैपिटल एम बाई टू है ना, एंड इट इज अगेन पुल्ड ऑन द सरफेस, और दोबारा इसको जो है पुल किया जाए सरफेस पे, तो जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होगा बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस वो क्या होगा, है ना, ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, तो वही होगा जो पहले से था, यानी म्यू का वैल्यू क्या चेंज होता है, नहीं, जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसी भी चीज पे हमारा डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये पॉइंट जो है याद रखेंगे, ठीक है, सरफेस पे हमारा कोई भी डिपेंड नहीं होता है, और नॉर्मल रिएक्शन और मास के ऊपर डिपेंड हमारा नहीं करता है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या था, 63 हो गया, ये हो गया 64, नाउ 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ स्टेडी कपल एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज जीरो, है ना, एक स्टेडी कपल है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है एक सिस्टम पे और वो जीरो हो जा रहा है। इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी कांस्टेंट, तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कांस्टेंट, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी, कौन सा क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए डियर, हम लोग जानते हैं कि अगर कपल है, ठीक है, तो कपल इस तरीके के अगर बॉडी पे लग रहा है और उसका जो सिस्टम पे लग रहा है वो जीरो हो जा रहा है ना, तो हमारा जो उस कंडीशन में होता है फोर्स ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, बाकी सब जो है हमारा वैरी करते रहता है, ठीक है, जब सिस्टम पे हमारा कपल लग हो और अनस्टेडी कपल हो तो उस कंडीशन में अगर जीरो सिस्टम है तो फोर्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, 66 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन में क्या कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी इज केप्ट ऑन ए रफ फ्लोर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड ब्लॉक इज 0.4 एंड 0.3, ठीक है, 0.4 और 0.3 जो है फ्लोर और ब्लॉक के बीच में स्टैटिक जो है 0.4 है स्टैटिक कोफिशिएंट, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो 0.3 है, एंड फोर्स F1 इज 5 न्यूटन एंड F2 इज 4 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन द ब्लॉक्स एज शोन इन फिगर। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे, F1 जो कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन दिया हुआ है और F2 जो है 4 न्यूटन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया F2, ये हो गया 4 न्यूटन और F1 हो गया 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो रिजल्टेंट क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट 41 न्यूटन। बस यही तो निकालना था, रिजल्टेंट आपको निकालना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ठीक है, तो वो आपका निकल गया। इसमें आप अगर थीटा निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके थीटा भी निकाल सकते हैं, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा म्यू एस दिया हुआ था ही
तो यहाँ से जो है आप लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल सकते हैं जो कि ये आ गया। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉडी हमारा रेस्ट में है, तो इतना कैलकुलेशन आप कर भी सकते हैं, लेकिन फाइनली आपका जो आंसर है वो ये पूछा जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ब्लॉक है ए जिसका वेट है 4 न्यूटन और ब्लॉक बी जिसका वेट है 8 न्यूटन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का वो 0.5 है फॉर ऑल सरफेस, हर तरह के सरफेस के लिए 0.5 जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। फॉर ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई ए लाइट कोर पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली, द फोर्स एफ इज अप्लाइड बी एट कॉन्स्टेंट स्पीड। तो क्या कह रहा है, सिंपली कह रहा है कि भाई एक ब्लॉक ए हो गया है ना, और एक के ऊपर एक रखा हुआ है और दोनों जो है एक स्ट्रिंग की मदद से उस पुली से कनेक्टेड है, और दोनों सरफेस पे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 लग रहा है। कितना लग रहा है? 0.5 लग रहा है। तो जब 0.5 लग रहा है तो ऊपर की ओर हमारा नॉर्मल लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा। अब इसमें भी अगर हम लोग बी ब्लॉक के लिए लेंगे है ना, बी ब्लॉक के लिए लेंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो ऊपर की ओर हमारा n लगेगा, नीचे की ओर mg, ठीक है। तो हमारा वेट कितना है, तो हमारा वेट है 8 न्यूटन, कितना है 8 न्यूटन, तो नॉर्मल में हमारा 8 न्यूटन के इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर बी बॉडी बी के लिए तो ले लिए, अब बॉडी ए के लिए लेंगे तो ऊपर की ओर हमारा क्या लगेगा, एन टू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एन है तो इसको एन वन ले लेते हैं, और नीचे की ओर क्या लगेगा तो एन वन लगेगा है ना, नीचे की ओर हमारा एन वन लगेगा, ऊपर की ओर एन टू लगेगा, ठीक है, यही लगेगा ना हमारा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे बस, और तो कुछ करना नहीं है, मतलब यहाँ पे जो है हम लोग क्या ले लेंगे, और यहाँ पे हमारा ये 8 न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारा 4 न्यूटन हो जाएगा, नीचे की ओर 4 न्यूटन लगेगा और ऊपर की ओर जो है हमारा 4 न्यूटन ही लगेगा है ना। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, अब करना क्या है, निकालना क्या है ये देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि द फोर्स एफ टू स्लाइड बी एट कॉन्स्टेंट स्पीड, तो बताना है कि कितना फोर्स लगेगा ताकि जो बी बॉडी है वो हमारा स्लाइड करने लगेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने लगेगा, उस कंडीशन में आपको जो है बताना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है इसमें जो हमारा टेंशन भी लगेगा है ना, तो जानते हैं कि नॉर्मल इज इक्वल टू म्यू एम जी होता है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हमारा दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है ना, और एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू 4 ले लेते हैं अगर ए बॉडी के लिए लेकर चलते हैं तो 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 न्यूटन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। तो जितना हमारा इसमें आ रहा है उतना ही तो टेंशन भी हमारा इसमें जनरेट होगा है ना, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, टेंशन इज इक्वल टू हमारा होता है कि म्यू एन, तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू हमारा नीचे की, एक मिनट यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन, हाँ एन एन इज इक्वल टू एम जी है ना, सॉरी एन इक्वल टू एम जी है ना, तो इसका तो वैल्यू हमारा दिया हुआ है ना 4 न्यूटन, ठीक है, ये तो दिया हुआ है 4 न्यूटन, तो यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 न्यूटन आ जाएगा, और टी वी के लिए निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन प्लस म्यू एन डैश है ना, या फिर एन टू एन वन और एन टू ले लेंगे तो ये चीज आ जाएगा, यहाँ से जो है वैल्यू निकाल लेंगे तो पुट करके तो फोर्स का जो है आ जाएगा हमारा 4 न्यूटन, कितना आ जाएगा 4 न्यूटन जो है, इतना ही फोर्स रिक्वायर्ड होगा ताकि हमारा जो बी है वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ क्या करेगा, मूव करने लगेगा।